हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप किसी भी पीडीएफ को एडिट कर सकते हो। पीडीएफ में आप कोई भी सिग्नेचर वगैरह ऐड करना चाहते हो या फिर टेक्स्ट लिखना चाहते हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप एडिट करना चाहते हो पीडीएफ में, चाहे आपके पास ऑलरेडी कोई पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है उसमें कोई टेक्स्ट को आप चेंज करना चाहते हो, सिग्नेचर ऐड करना चाहते हो, कोई भी आप पीडीएफ से रिलेटेड काम है वो सारा आप कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल तौर पर मैं आपको एक पीडीएफ यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि इसमें एक सिग्नेचर ऐड करना है और यहाँ पर जितने ब्लैंक कॉलम है यहाँ पर मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है, डिटेल वगैरह फिल करना है। तो आपको प्रिंट आउट निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ये सारा काम कर सकते हो। आपको इस वाले वेबसाइट पर आ जाना होगा, इस वेबसाइट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए, इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको सारा प्रोसेस बता देता हूं किस प्रकार से आपको पीडीएफ एडिट करना है। तो यहां पे अपलोड पीडीएफ फाइल पर क्लिक करेंगे। ध्यान में रहना चाहिए आप जिस डॉक्यूमेंट को यहां पे अपलोड करेंगे वो पीडीएफ के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि मैं इस पीडीएफ को यहां पे अपलोड कर देता हूं, तो देखिए अभी हमारा पीडीएफ यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो गया। देखिए अपलोड हो चुका है। तो जैसे ही आपका पीडीएफ यहाँ पर अपलोड हो जाता है तो आपके पास वो पीडीएफ ओपन होकर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो देखिए ये वाला मैंने पीडीएफ यहाँ पर ओपन करा है, अपलोड कर दिया। देखिए पीडीएफ हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आ गया है। तो देखिए यहाँ पर जो जो डिटेल मैं एडिट करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ, सारा मैं आसानी से कर पाऊँगा। यहाँ तक कि इस वीडियो में आगे आपको मैं ये भी बताऊँगा कैसे आप इसमें सिग्नेचर ऐड कर सकते हो, रियल तरीके से आप सिग्नेचर ऐड कर पाओगे, जैसे कि लगेगा आप खुद इस फॉर्म पे सिग्नेचर कर रहे हो। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट टाइप करना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक करके देखिए जैसे ही लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कट करके कुछ और लिख कर दिखा देता हूँ, जो आप टाइप करना चाहते हो वो यहाँ पे टाइप कर पाओगे। ध्यान में रहे ये प्रोसेस आपका मोबाइल फ़ोन में वर्क नहीं करेगा अच्छे से, ये कंप्यूटर में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। मोबाइल फ़ोन में आपको डेस्कटॉप मोड में डालना होगा, उसके बाद ही आप ये प्रोसेस कर पाओगे। अब कंप्यूटर में डायरेक्टली आप कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर जैसे कि एक नेम यहाँ पर फिल कर दिया है। इसी तरह के नीचे यहाँ पे मैं कुछ और डिटेल फिल करना चाहता हूँ, तो जहाँ पे मैं डिटेल फिल करना चाहता हूँ वहाँ पे बस लेफ्ट क्लिक आपको करना है। जैसे कि लाइन के ऊपर टेक्स्ट आ गया था, थोड़ा ऊपर करके दोबारा से मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूँगा। देखिए वो टेक्स्ट का फिर से आ गया है, यहाँ पर फिर से हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए अब इस टेक्स्ट में आप फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हो, कलर चेंज करना चाहते हो, तो वो भी आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इस टेक्स्ट को आप यहाँ पर मूव भी कर सकते हो। जैसे कि टेक्स्ट के ऊपर आप एक बार आएंगे यहाँ पे ऐसे करके एरो बन जाएगा, चार एरो बन जाएगा, इसको आप इधर उधर करके मूव भी कर सकते हो। मान लीजिए इसको यहाँ पेस्ट करना है या इस साइड में पेस्ट करना है तो आसानी से आप मूव करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आप टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि दिनेश चौधरी ये नाम लिखा हुआ है, तो मैं इसका फॉन्ट को बोल्ड में करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे इस पर बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए टेक्स्ट हमारा डार्क बोल्ड कलर में हो चुका है। इसी तरीके से फॉन्ट के यहाँ पे साइज़ को भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे साइज़ दिया गया है कितने भी साइज़ में आप सेट कर सकते हो। और यहाँ पर कलर में आके आप इसके फॉन्ट के कलर को भी चेंज कर पाओगे। जैसे कि इस कलर को मैं रेड रख देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कलर हमारा रेड कलर में हो चुका है। और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप कोई लिंक वगैरह ऐड कर सकते हो, अगर कोई लिंक वगैरह ऐड करना चाहते हो। तो इसी प्रकार से मैं दूसरे टेक्स्ट का भी कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं, आप देखिए यहाँ पे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे और जितने रुपीज़ आप यहाँ पे टाइप करना चाहते हो वहाँ पे आप कीबोर्ड से बस यहाँ पे टाइप कर दीजिए, वो यहाँ पे आ जाएगा। और इसका फॉन्ट स्टाइल आप चेंज करना चाहते हो तो फॉन्ट में आकर आपको जो भी स्टाइल आपको पसंद आ रहा है वो स्टाइल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, देन आपका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। अब देखिए लास्ट स्टेप में आता है, अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप सिग्नेचर वगैरह ऐड कर सकते हो पीडीएफ फाइल में। देखिए यहाँ पे इमेज का ऑप्शन है, तो यहाँ पे एक ड्राफ्ट दिया गया, मैं आपको इसी को एक बार लाकर दिखा देता हूँ। तो देखिए मान लीजिए ये इमेज है, कोई इमेज अगर आप ऐड करना चाहते हो पीडीएफ फाइल में, कोई भी इमेज यानी कोई भी फ़ोटो वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो। कोई भी फ़ोटो आप गैलरी से चूज कर सकते हो, यहाँ से लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मैं साइन ले लेता हूँ। तो मान लीजिए साइन में फ़ोटो के रूप में ऐड करना चाहता हूँ, तो इस साइन बड़े ही आसानी से मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। पहले आपको जैसे सिलेक्ट करोगे उसके बाद एक बार आपको बाहर क्लिक करना होगा।
उसके बाद आपको इस इमेज के साइज़ को खुद अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। जितने साइज़ में आप रखना चाहते हो उतने साइज़ में आपको सेट कर लेना होगा। देन इस इमेज को जहाँ पे भी आप रखना चाहते हो वहाँ पे इस इमेज को रख दीजिए, देन आपका इमेज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं किस प्रकार से सिग्नेचर ऐड कर सकते हो। पहले इस इमेज को हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। देखिए हमने इमेज को डिलीट कर दिया, अब यहाँ पे हम सिग्नेचर ऐड करेंगे। एग्जाम्पल तौर पर एक सिग्नेचर आपको पहले ही दे कर रखेगा, और यहाँ से आप ऑनलाइन सिग्नेचर भी कर सकते हैं, तो आपके पास है तो आप सिग्नेचर गैलरी से भी ले सकते हो। जैसे कि देख सकते हो, जैसे मैंने एक फाइल ले लिया सिग्नेचर का, ऑटोमेटिक इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और रियल तरीके से आपको शो कर देगा कि सिग्नेचर जैसे आप रियल में करे होंगे डॉक्यूमेंट पे, कुछ उस प्रकार से आपको दिखाएगा। तो देखिए सिग्नेचर हमारा आ चुका है, हम यहाँ पर सिग्नेचर ऐड कर देते हैं। तो देखिए जैसे हमने सिग्नेचर ऐड करा, देख सकते हैं बिल्कुल रियल लग रहा है, जैसे कि मैंने अभी फ़ोटो पे साइन करा है उस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आप सिग्नेचर वगैरह भी पीडीएफ में ऐड कर सकते हो। इसी प्रकार से इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप कोई शेप वगैरह ऐड करना चाहते हो तो कोई शेप भी ऐड कर पाओगे। आपके ज़रूरत के हिसाब से सारे यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है, जो जो आप एडिट करना चाहते हो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से एक पीडीएफ फाइल को आप आसानी से एडिट कर सकते हो, कोई भी चेंजेस आप कर सकते हो। जैसा कि देखिए यहाँ पे सब कुछ हमारा हो जाएगा, तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हमारा सारा चेंजेस अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करके इस पीडीएफ के फाइल को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करके आप सेव कर लीजिए, देन इसका यूज कर सकते हो या प्रिंट आउट निकाल सकते हो, या फिर ऑनलाइन कहीं अपलोड करना चाहते हो तो आप अपलोड भी कर पाओगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो की रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आ रही है आपको पीडीएफ फाइल एडिट करने में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो।